हाँ तो भाई लोग, वेलकम टू जी स्कैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टी पी लिंक के AC600 नैनो वायरलेस USB अडेप्टर के बारे में। काफ़ी लंबा नाम है। खैर, इसकी प्राइस आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अराउंड 900 पड़ जाएगी। ये एक डुअल बैंड अडेप्टर है। अगर आपके पास राउटर डुअल बैंड है तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 5GHz बैंड सपोर्ट करता है। चलो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एक बात और, मेरे पास ऑलरेडी एक डीजी सोल का पुराना अडेप्टर था, तो उससे और इसके 5GHz बैंड में कंपैरिजन करेंगे स्पीड का, देखेंगे क्या कितना स्पीड का डिफरेंस रहता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ब्लैक एंड गोल्डन सा लग रहा है। मैंने अडेप्टर कनेक्ट कर दिया और आप देख सकते हैं अनन होम नाम का मेरा वाईफाई है, लेकिन अभी सिंगल ही बैंड आ रहा है। देखो अभी आ गया 5G बैंड, तो अब इससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी मेरा पासवर्ड डालना होगा हमको, क्योंकि ये नया अडेप्टर है, तो फटाफट पासवर्ड डालते हैं। आप अपनी वाईफाई का speedtest.net पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने उसी पे चेक किया है, काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट रहता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना स्पीड देता है। उत्तरी है तो काफ़ी सही जा रहा है। 100 MB का प्लान है, तो उम्मीद है कि 95-100 के बीच में होना चाहिए। इसी हिसाब से हमको लगता है ये 97-98 के बीच आसपास रहेगा। 97.33 काफ़ी सही है, ये स्पीड काफ़ी सही है। अपलोड स्पीड देख लेते हैं, अपलोड स्पीड क्या है भाई। वाह, अपलोड स्पीड 85 MPS है, तो काफ़ी सही है इसका स्पीड। तो अब चलो अब देखते हैं इसके 2.4 GHz बैंड वाले में कितना स्पीड जाता है। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है, देखो कितना जाता है। उम्मीद तो है कि उसके हाफ़ रहेगा, यही 36 MBPS गया, हाफ से भी कम है 2.4 MBPS, और ये 72 अपलोड गया है। तो अब मैं अपने पुराने 300 MBPS सिंगल बैंड अडैप्टर की स्पीड भी देख लेता हूँ उससे कंपेयर करके। ये मेरा डिजिटल का सिंगल बैंड अडैप्टर है 300 MBPS का। तो चलो देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। इसकी स्पीड पिछले वाले की 36 थी हम लोग के TP-Link की, और इसकी 39 है, तो मतलब सिंगल बैंड में ये ज़्यादा स्कोर कर रहा है उससे। और अपलोड स्पीड देख लेते हैं, अपलोड स्पीड इसकी कम। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके पास डुअल बैंड राउटर है तब आप डुअल बैंड अडेप्टर लीजिए, अगर आपके पास सिंगल बैंड राउटर है 2.4 GHz का तो आप कोई भी 300 MBPS का अडेप्टर लेंगे, तो उसमें ज़्यादा स्पीड देगा आपके इस TP-Link के अडेप्टर से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।